काफी दिनों बाद अरुणिता को पेट भर खाना खाते देखा गया, क्योंकि काफी दिन बाद उन्हें इंडियन खाना मिला। हम आपको पहले ही एक वीडियो में दिखा चुके हैं जिसपे अरुणिता पवनदीप को इंडियन खाना ना मिलने की वजह से भूखे रहना पड़ा था। इन्होंने सिर्फ फल खाकर ही अपना गुजारा किया था और तब से ये लगातार इंडियन खाना खाने को तरस रहे थे। और जैसे ही अरुणिता को इंडियन खाना मिला वो खुश हो गई। उन्होंने ना पवन को देखा ना साली दानिश को देखा, वो खाने पर ही जुट गई। जी हाँ, कल रात की एक वीडियो सामने आई है जिसपे देखा जा रहा है कि अरुणिता पवन शायली दानिश और इनकी पूरी टीम एक इंडियन होटल को ढूंढते हैं और फिर इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। इंडियन खाना खाकर अरुणिता तो बहुत खुश दिखाई देती हैं, वो सबको छोड़कर पहले खाना खाती हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि अरुणिता के चारों तरफ उनका कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा है, वो अकेले ही खाने की टेबल पर खाना खाती दिखाई दे रही हैं। अरुणिता का पूरा ध्यान खाने पर ही है और जब तक वो पेट भर खाना नहीं खा लेती हैं वहाँ से उठती नहीं है। हालांकि एक अगली वीडियो में उनके पास पवन बैठे भी दिखाई देते हैं, वो भी इंडियन खाने को बड़े चाव से खाते दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि आप कहीं भी चले जाओ लेकिन भारतीय लोग सिर्फ अपने इंडियन खाने को ही पसंद करते हैं, इंडियन खाने को बहुत मिस करते हैं। बाहर जाकर इंडियन खाने की क्या वैल्यू है वो असल में पवनदीप और अरुणिता को पता चल रही है। उन्हें यहाँ जैसा टेस्ट जायका कहीं मिलता ही नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आप भी इंडियन खाने के ही शौकीन हैं? अगर आपको इंडियन खाना कुछ दिन ना मिले तो कैसा महसूस करते हैं हमें लिखकर बताएं। इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन और फर्स्ट रनर अप रही अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो उनके फैंस को झटका दे सकती है, हर किसी को हैरान कर रही है इनसे जुड़ी ये खबर। इस टाइम ये रोमांटिक गाने और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोस और फोटोज को लेकर खूब सुर्खियों में है, लेकिन हाल ही में वो एक कानूनी पचड़े में फंस गए हैं जिसके बाद उनके करियर को लेकर मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल खबरें आ रही है कि ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड संगीत एल्बम की शूटिंग और प्रचार करने से इन्होंने इनकार कर दिया है। जी हां, सोनी ने ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से एग्रीमेंट किया था जिसमें कहा था कि इंडियन आइडल 12 के विजेताओं को उनके साथ रोमांटिक एल्बम के साथ उन्हें प्रमोट भी करना होगा। लेकिन आप पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल अपने वादे से मुकर गए हैं। लीगल नोटिस के मुताबिक इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन और ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रोच किया था। उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एग्रीमेंट किया है, इसमें अरुणिता और पवनदीप की सर्विसेज देने की बात कही गई थी। लेकिन अब एक गाने की शूटिंग के लिए दोनों आर्टिस्ट ने उनका साथ देने से मना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले अरुणिता फिर पवनदीप ने गाने की शूटिंग और प्रमोशन और रिलीज में सहयोग करना बंद कर दिया है। सोनी को जब जानकारी दी गई तो उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं जब IMPPA ने सोनी से उनकी टिप्पणी मांगी तो उन्होंने ये कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया कि सोनी की कोई भी विशेष कंपनी IMPPA के सदस्य नहीं थी बल्कि सोनी के कई कंपनियां थी। उन्होंने कहा कि ये कंपनी केवल फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कई सीरियल्स के मामलों के लिए लोगों के साथ काम करती है। ऐसे में पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल के वाकई ये बहुत बड़ी मुसीबत तैयार हो चुकी है और ये कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। वेल, ये खबर सुनकर फैंस को इनके लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं पवनदीप राजन। फिलहाल तो इस वक्त पवन अरु और इनकी पूरी टीम USA में है और वहाँ इनके लगातार कंसर्ट चल रहे हैं और पूरा मार्च ये वहीं रहने वाले हैं। अरुणिता कांचीलाल की एक वीडियो ने फिर से फैंस को खुश कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अरुणिता की खुशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पवनदीप के साथ हमेशा साथ रहना चाहती हैं और उनके साथ ही वो खुश रहती हैं। उनकी फैमिली के भी बहुत क्लोज हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं अरुणिता भी उत्तराखंड की बहू बनना चाहती हैं। जी हाँ, एक बार फिर से अरुणिता की शादी को लेकर जोरों शोरों से चर्चाएं होने लगी हैं। कुछ ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं जब ये वीडियो देखी गई। दरअसल वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि अरुणिता लाल लहंगा चोली पहनकर नाच रही हैं, घूम रही हैं और बहुत खुश दिख रही हैं। अरुणिता का ये वीडियो उत्तराखंड का है जब वो पवन के घर चांदनी की शादी में गई थी। उसी दौरान उन्होंने खूब मौज मस्ती की थी जिसकी वीडियोस हम आपको पहले ही दिखा चुके थे, लेकिन ये वीडियो तब नहीं दिखाया गया था और काफी दिनों बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ
तो लोग खूब पसंद करें। लोगों ने कहा भी था कि अरुणिता अपने ससुराल में जाकर बहुत खुश हो गई हैं और अब ये वीडियो देखकर आप भी सच मान लीजिए, वीडियो पुराना है लेकिन अब वायरल हुआ तो लोग तारीफ करने से नहीं थक रहे हैं। ये लहंगा अरुणिता ने चांदनी की शादी वाले दिन पहना था और शादी वाले दिन उन्होंने जो मस्ती की वो वीडियो में आप देख सकते हैं। पवनदीप के घर के बाहर वो कार के आगे खड़ी होकर पोज दे रही हैं और नाच रही हैं, खूब घूम रही हैं, लहंगा घुमा रही हैं। अरुणिता की वीडियो खूब पसंद की जा रही है। लोग कह भी रहे कि अरुणिता तुम्हें पवनदीप से शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारे लिए पवनदीप का घर बेस्ट ससुराल है क्योंकि पवनदीप हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। वहीं ससुराल वाले भी अरुणिता को बहुत पसंद करते हैं। इसकी वजह दोनों का एक जैसा करियर है, अरुणिता का चुलबुला नेचर भी है। अरुणिता जहाँ जाती हैं वहाँ लोगों को अपना दीवाना बना देती हैं। पवन की बहनों के साथ भी अरुणिता के अच्छे रिश्ते हैं। शादी में एक साथ देकर बिल्कुल नहीं कहा जा रहा था कि ये दोस्त हैं, बल्कि चांदनी और ज्योति की तीसरी बहन अरुणिता को बताया जा रहा था। अरुणिता ने चांदनी ज्योति दीप के साथ खूब मस्ती की थी, रात भर खूब पार्टी की थी और पवन दीप के साथ उनकी दोस्ती का तो कोई जवाब ही नहीं। तो आप अरुणिता की शादी और उनके ससुराल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें लिख कर जरूर बताएं। यूएसए से पवनदीप अरुणिता के बेहतरीन पिक्चर सामने आ चुके हैं। अब विदेश गए हैं तो ये दोनों मौज मस्ती का कोई भी मौका खाली नहीं जाने दे रहे हैं। इस वक्त ये इवेंट से छुट्टी लेकर रेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और यूएसए में खूबसूरत जगह पर घूमने भी जा रहे हैं। फिर से पवन अरुणिता सुबह सुबह घूमने निकले, पवन अरुणिता का फोटो शूट करते हैं और अरुणिता सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ चुलबुले अंदाज में नजर आती हैं। जो यहाँ इस बार अरुणिता मिनी फ्रॉक में नजर आई, वो सुबह सुबह पेड़ पौधों के साथ मस्ती करती नजर आई। नेचुरल हवा और पेड़ पौधों के साथ वक्त बिताने में मूड और अच्छा हो जाता है, जैसा कि इस वक्त अरुणिता फील कर रही हैं। अरुणिता ने अपने बालों में कुछ फूल भी लगा रखे हैं जो पवनदीप ने खुद उनके बालों को सजाया है। जी हाँ, अरुणिता के बालों में एक साइड में व्हाइट फ्लावर नजर आ रहे हैं जो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। व्हाइट फ्लावर के साथ अरुणिता इस प्यारी सी ड्रेस में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरुणिता के इस ड्रेस की पवनदीप ने तारीफ भी की और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। व्हाइट फ्लावर के पेड़ के नीचे अरुणिता खड़ी हैं और नेचर को बड़े प्यार से निहार रही हैं। उन्हें ये जगह बहुत खूबसूरत लगी, बहुत पसंद आई। वो यहाँ घास पर लेट लेट कर पोज देती दिखाई दी, कूदती नजर आई और पवन उनका फोटो शूट करते दिखे। उसके बाद पवनदीप भी कूदते हैं तो अरुणिता उनका फोटो क्लिक करती हैं। पवनदीप अरुणिता बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। पवन ने ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट पैंट पहनी है, दोनों बहुत शानदार लग रहे हैं। फिलहाल इस वक्त तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कल पूरा दिन अरुणिता ने पवनदीप के साथ बाहर वक्त बिताया, रात को कुछ प्रैक्टिस भी की और आज इनका इवेंट भी होने वाला है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा है क्योंकि आज अरुणिता पवन धमाल मचाने वाले हैं।